धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी ने दिया राहुल को तगड़ा जवाब। मोदी के पलटवार से राहुल के छूट गए पसीने। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी की खोल दी जन्म कुंडली। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक कहावत है कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। ठीक ऐसा ही कल सदन के अंदर हुआ जब पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोलने के लिए उठे। इस पल का सबको इंतजार था, सब बड़े ही बेसब्री के साथ इस क्षण का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसके ठीक एक दिन पहले यानी कि सोमवार को राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी के सामने अब पीएम मोदी बेबस हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी की स्पीच के दौरान अमित शाह और पीएम मोदी की तरफ से उन्हें संरक्षित करने की अपील की गई थी, और इसी को लेकर ये नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री मोदी पर भारी पड़ रहे हैं और उससे ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। खैर, राहुल गांधी को जो बोलना था उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन जब बारी पीएम मोदी के बोलने की आई तो फिर एक एक करके जिस तरह से पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी की कुंडली खोली, इसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। पीएम मोदी लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक बोलते रहे और एक एक कर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की कुंडली खोलते रहे। सबसे पहले तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को परजीवी कह दिया। आपको बता दें कि परजीवी वो होता है जो जिस शरीर के साथ रहता है उसी को खाता है, और ये सब मिलकर इंडिया गठबंधन बना है। अब पीएम मोदी के कांग्रेस पार्टी को परजीवी कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने राहुल गांधी की पूरी कुंडली खोल कर रख दी। अब तक आपने राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल होते हुए सुना होगा, लेकिन पीएम मोदी ने उनका नाम लिए बगैर बालक बुद्धि कहकर राहुल गांधी को खूब खरी खोटी सुनाई। आइए आपको मोदी की वो स्पीच सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहकर उनकी एक एक कुंडली खोलकर रखी। आदरणीय सभापति जी, आजकल सिंपथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा, और उसकी माँ भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा, और फिर कहने लगा, माँ मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। माँ परेशान हो गई, उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को माँ की गाली दी थी, उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी, उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था, उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां विलाप चल रहा था, मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी,
सिंपति हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं, इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप हैं और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है, इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा।